आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्मा केमिस्ट्री 2। इसमें हम पढ़ेंगे आज लोकल एनेस्थेटिक्स। जो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, ऐसी प्रेपरेशंस, ऐसी सब्सटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं जिसमें एक पर्सन को, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सुन करने के लिए, तो हम बोलते हैं एनेस्थेटिक्स। दो टाइप के होते हैं ये, जनरल एनेस्थेटिक्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स वो प्रेपरेशन है जो किसी भी पर्सन को आप एक तरह से मतलब अनकॉन्शियसनेस करने के लिए, या उसको पेन ना हो, उससे पहले हम इंजेक्शन दिया जाता है ताकि पर्सन की मतलब कोई भी उसको पेन सेंसेशन ना हो। इसमें हम इसका अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, इसमें दो टाइप के, एक तो है एस्टर्स, एक अमाइड, और थर्ड टाइप है इसका मिसलेनियस। नंबर वन अगर हम बात करते हैं एस्टर्स की, तो ये क्या है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो एस्टर्स हैं, दैट इज एग्जाम्पल इसका है कोकेन, दैट इज एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड। दूसरा है आपका बेंजोकेन एंड प्रोकेन। जो एस्टर है किसका, आपका पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के जो एस्टर्स हैं उसमें दो एग्जाम्पल हैं बेंजोकेन और प्रोकेन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अमाइड, यानी कि जिसमें एनएस ग्रुप होता है, तो उसमें दो टाइप के हैं, एनालाइट्स अमाइड एंड नॉन एनालाइट अमाइड्स। इसमें नंबर वन एनालाइट्स में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें है लिग्नोकेन, और नॉन एनालाइट में आपका है सिंकोकेन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनालाइट अमाइड्स एंड नॉन एनालाइट। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें तो इसमें आपका आता है मिसलेनियस कंपाउंड्स। उसमें हम फिनोल्स, यूजेनॉल एंड बेंजाइल एल्कोहल्स, ये हम यूज़ कर सकते हैं एज ए लोकल एनेस्थेटिक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लिग्नोकेन की, तो लिग्नोकेन क्या है, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज 2-diethylamino एंड 2,6-dimethylphenyl एस्टा अमाइड। जैसा हमने मैंने आपको पहले बताया था, तो ये किसके कैटेगरी में आता है, आपका एनालाइट अमाइड्स की कैटेगरी में। तो अगर हम इसका केमिकल फॉर्मुलेशन की बात करें, तो स्ट्रक्चर जैसे आप सामने देख रहे हैं, बेंजाइल बेंजीन रिंग है, उसके बाद अमाइड ग्रुप CO CH2 N C2H5 और C2H5, 2-diethylamino, उसके बाद N 2,6-diethylphenyl एंड एस्टामाइड, जो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो इसकी प्रॉपर्टीज इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड ऑर्डरलेस एंड एज यूजुअल जो इसका जो टेस्ट है वो क्या रहेगा, आपका बीटर टेस्ट। और इसके यूजेस क्या हैं इसके, अगर हम देखें तो इसमें आप लोकल एनेस्थेटिक इसको यूज़ कर सकते हो, इसको ट्रॉपिकल यूज़ आपने घरों में देखा होगा कि ट्रॉपिकल जेल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। नर्व ब्लॉक के केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड इन मेजर यूज इन केस ऑफ कार्डियक अरिथमियास में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ब्रांड्स जो मार्केट में अवेलेबल है, इसके फॉर्मुलेशन वो इंजेक्शन भी हैं, आई ड्रॉप्स भी हैं, और जेल टाइप में ये सभी फॉर्मुलेशन में आपको क्या मिल जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड अगर आप बात करें प्रोकेन की, तो प्रोकेन का जो आप देख सकते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर में 2-diethylamino इथाइल पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसका ये कंपाउंड है, इसको हम अगर एग्जांपल में इसको हम काउंट करें तो किसमें आता है, ये आपका एस्टर्स बेंजोइट। बेंजोइट इसके लिए यूज़ करते हैं हम एस्टर्स के लिए। सेम इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, बीटर है, और सोल्यूबल इन वाटर है एंड नॉन इरिटेंट है। यूजेज इसके भी यूजेज आपके जो प्रोकेन की तरह, इसके लिग्नोकेन की तरह सेम यूजेज हैं। लोकल एनेस्थेटिक, ट्रॉपिकल यूज, कार्डियक अरिथमियास में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपको इंजेक्शन की फॉर्म में मिल जाएगा, जैसे बेंजोकेन और प्रोकेन, बेंजाइल पेंसिलिन इंजेक्शन की मार्केट फॉर्मुलेशन हैं जो इसकी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा था लोकल एनेस्थेटिक। इसमें अगर मतलब जैसे भी इसकी क्लासिफिकेशन, और इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपका अराइज हो जाए।